हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हाइब्रिड हिबिस्किस की केयर के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा पौधा है उन गार्डनर्स के लिए जिनके पास बड़ी स्पेस नहीं है, जैसे कि एक गार्डन वगैरह नहीं है मिट्टी में लगाने के लिए, और वो पॉट में लगाना चाहते हैं हिबिस्किस का प्लांट। तो एक ही छोटी वेराइटी है तो उसको ये लोग अपने आराम से गमले में लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसकी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। इस पौधे की मिट्टी को बनाने के लिए आप एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी गार्डन सॉइल और एक हिस्सा बजरी या रिवर सैंड ले लीजिए। अगर आपके पास बजरी या रिवर सैंड नहीं है तो आप कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं। बजरी या रिवर सैंड मिलाने से आपकी मिट्टी पोरस रहेगी, इस वजह से मिट्टी में पानी खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि इस पौधे को बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी रुके ना। जैसे आप पानी डालें वैसे ही वो नीचे से फ्लो हो जाए, बट इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। तो चलिए अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि इस पौधे को धूप कैसी चाहिए। इस पौधे को कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप की ज़रूरत पड़ती है, पर अगर सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप भी इसे मिल जाए तो भी इसके लिए अच्छा रहेगा और प्लांट तो भी अच्छा आपका चल जाएगा। बट उससे ये होगा कि थोड़ा फूल कम आएंगे, और ज़्यादा धूप मिलेगी तो इसमें ज़्यादा फूल आएंगे, और थोड़ी कम धूप आने पर थोड़ी कम फूल देगा ये पौधा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम इसको 2 घंटे की धूप तो मिले। तो चलिए अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि इस पौधे को पानी कब कब देना है। वैसे तो इस पौधे की मिट्टी को आपको मॉइस्ट रखना है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए मिट्टी इसकी बहुत ज़्यादा गीली हो और पानी उसमें ठहरा रहे। आप इसमें रेगुलर वाटरिंग करें, पर तभी करें, पानी भी तभी दें जब इसके अंदर आपको लगे कि मिट्टी सूख रही है। आप अपनी फिंगर से 1 इंच तक की इसकी मिट्टी चेक करें, अगर वो गीली है तो फिर उसके अंदर पानी ना दें, पर अगर आपको लगे कि वो सूखी है तो उसके अंदर पानी दें, पर ओवर वाटरिंग ना करें, नहीं तो आपके पौधे की रूट्स जो हैं वो गल जाएंगी। अब इस पौधे की फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें तो ये पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए आप इसे हर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र दें और हर 20 से 25 दिन में वर्मी कंपोस्ट या काउडोंग कंपोस्ट भी दें इसे। और अगर आपके पौधे में किसी प्रकार के भी कीड़े लग रहे हों या फिर इवन प्रिवेंशन के लिए भी, आप इस पर हर महीने नीम ऑयल या फिर सोप सॉल्यूशन का स्प्रे ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।